एक किलो के पीछे 350 से 400 कमा सकते हैं। जी जी। और डेली बेसिस पे कितनी मछली आपकी सेल हो जाती है? मसा 40-50 किलो तो हो जाते 30। अच्छा, हमें बनाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए नाजरीन को वो भी बता दें साथ। यानी कि थोड़े स्टार्टअप थोड़ी कीमत कितने में स्टार्ट हो सकता है मिनिमम? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मानदीप चौधरी और आप देख रहे हैं बिजनेस आईडिया वाला। वीडियो में देखा कि हमने आपको बताया कि फ़िश बिज़नेस है, मछली का जो बिज़नेस कारोबार है उसमें कितना पोटेंशियल है। उसमें हमने आपको आइडिया दिया था कि आप उसको बारबेक्यू के साथ कैसे इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि 300 रुपये किलो जो मछली मिलती है वो आप इसको 1000, 1100, 1200 के अंदर सेल कर सकते हैं। आज हम आए हैं बारबेक्यू पॉइंट पर, तो उनसे आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी ये कैसे बनती है और इसमें कैसे जायका पैदा किया जाता है, उसको कैसे फ्रेश बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे साथ रहिएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू जी। हमारे साथ सैफुल्लाह साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अच्छा माशाल्लाह, आप काफ़ी तारीफ सुनी थी बाकी के लिए आपके पास आए। जी जी। अच्छा ये बताएँ कि जो जो फिश का मसाला है जी जी, इस पर कौन कौन से लगाते हैं जो उसको जायकेदार बनाने के लिए? जी हम तो पहले हम इसको देसी मसाला लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा साहब भाई ये बताइएगा कि बिलफर्ज हम 300 रुपये किलो फिश लेते हैं जी जी, उस पर हमें बारबेक्यू के साथ फिश पे कितना प्रॉफिट आएगा? सारा कुछ ये 300-400 के दरमियान आपको प्रॉफिट आएगा टोटल। जी जी, सारे मसाले किलो के पीछे। किलो के, हाँ जी, एक किलो, एक के जी के पीछे। जी हाँ, एक किलो के पीछे 350 से 400 कमा सकते। जी जी। और डेली बेसिस पे कितनी मछली आपकी सेल हो जाती है? मसा 40-50 किलो तो हो जाती है 30-40। एक मन, एक मन डेली की माशाल्लाह सेल हो जाती है, उसका अंदाजा लगाएं आप कितना बन जाता है? जी माशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई 16000 रुपये। बिल्कुल, एक दिन के अंदर आप 16000 रुपये इजली कमा सकते हैं ये फिश का बिजनेस। और जब ये आजकल ठंडे दिन है, सर्दियों के लिहाज से तो सबसे बहुत सेल होती है। लोग शौक से खाते हैं, और जिम वाले तो बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो तो बहुत पार्टी वगैरह में भी लोग करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इस वजह से खाते हैं। जी जी, गुड हो गया। अच्छा हमें बनाते हुए अपना ये अक्सर लोगों से जल जाती है, साल लग जाती है जी, बिल्कुल हल्की आंच से बनती है। कम से कम इसको ना आधा घंटा इसको पकाने में लगता है, हल्की आंच से। ये जैसे बन रही ना, बिल्कुल हल्की आंच है, इसमें कोई ज़्यादा आंच नहीं। जब आप ज़्यादा आंच करेंगे ना ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, ऊपर से ऐसे लगेगी जैसे पक गई है और जल जाती है, वो जल जाती है। यानी कि इसको धीमी आंच पे, धीमी आंच, हाँ जी बिल्कुल धीमी आंच पक रही है ना। सही सही, बिल्कुल ये धीमी आंच है, ठीक है ना। अच्छा, इसी आंच पे ना इसी टेम्परेचर पे इसको पकाना है आपने। अच्छा ये माशाल्लाह शेफ हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोग फिश लेके आते हैं उन्हें पता कैसे चलेगा कि वो लेके आए वो फ्रेश है या नहीं है, ये आप बताएं कैसे पता चलेगा? वो पता इसके कलर से चल जाता है, जिसकी जो है ना गर्दन वगैरह और मुंह उसके उससे पता चल जाता है। उसका मुंह जब थोड़ा सा मैला सा होगा ना तो वो पुरानी होगी, जब फ्रेश जला सा होगा मुंह रेड होगा, आंखें भी रेड होगी तो वो होगी फ्रेश, ठीक हो गया। और उसकी क्या स्मेल से पता चल सकता है? क्योंकि ये स्मेल से फिश है जो मरी हुई हलाल है। हाँ जी, तो स्मेल से ही पता चल जाता है भाई ये खराब है, ठीक है। यानी कि जब बनाते हुए इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी जी, ठीक हो गया। इसकी स्मेल से पता चल जाता है, जब आप बनाते हैं ना उसकी अजीब सी स्मेल आएगी, अजीब सी टेस्ट उसका अजीब हो जाएगा, स्मेल अजीब हो जाएगी उसकी। अच्छा, जो पहले आप टेस्ट खाते हैं ना तो फिर दोबारा से अजीब सा लगेगा। अच्छा अच्छा, ये बताएं साहब भाई, ये बताएं कि सेटअप जो है यानी कि थोड़े सेटअप थोड़ी कीमत से कितने में स्टार्ट हो सकता है मिनिमम? ये तकरीबन 50,000 से तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 50,000 से स्टार्ट कर जी सकते जी हैं। और जैसे आपने बताया कि 16,000 बंदा दिन में कमा रहा है जी जी, तो कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं, बंदा मेहनती हो, मेहनती हो तो सब कुछ होता है, सब कुछ हो सकता है। हाँ, आपके सामने जैसे हम लोग बताया, हम ठेलों पे भी गए, उन्होंने भी आपको बताया कि वहाँ से भी आप दिन में काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं, रेस्टोरेंट पर ऑर्डर देके ऑर्डर देके तब कमा सकते हैं, और अपना बारबेक्यू पॉइंट बना के उससे भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक किलो के पीछे आप 350 से 400 रुपया इजली कमा सकते हैं।
जितनी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस बिजनेस आइडिया को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, क्योंकि जो खासतौर पर वेले हजरात हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो है। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।